नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मोदी डेशिंग और डायनेमिक प्रधानमंत्री है। भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डेशिंग और डायनेमिक नेता बताया। पटना साहिब से सांसद सिन्हा ने कहा कि देश के मौजूदा वातावरण को देखते हुए, जिसमें देश की सुरक्षा और एकता को खतरा है, ये वाकई महत्वपूर्ण है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करना चाहिए और इस उथल पुथल से देश को बाहर निकालने में मदद करने के लिए उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। पुतिन ने करवाई थी केजीबी एजेंट की हत्या। ब्रिटेन ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की स्वीकृति मिलने के बाद ही दमित्री कोवटन और आंद्रेई लुगोवाई नामक रूसी नागरिकों ने 2006 में रेडियोधर्मी पोलोनियम 210 के जरिए रूसी राष्ट्रपति के धूर विरोधी एवं पूर्व केजीबी एजेंट अलेक्जेंडर लित्विनेंको की लंदन में हत्या की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन की स्वीकृति के बाद ही पूर्व केजीबी एजेंट की जहर देकर हत्या की गई। ब्रिटेन ने इस मामले में लंदन में तैनात रूस के राजदूत को तलब किए जाने के संकेत दिए हैं। विधायक राशिद की भाजपा नेता को धमकी कि लश्कर के हवाले कर दूंगा। जम्मू कश्मीर के निर्दलीय विधायक शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद ने भाजपा नेता को लश्कर के हवाले करने की धमकी दी है। भाजपा की स्थानीय इकाई के मुताबिक पुलवामा में धरने पर बैठे रशीद और उनके समर्थकों की बीजेपी समर्थकों से थोड़ी झड़प हो गई। तभी रशीद ने कथित रूप से भाजपा के एक सदस्य को लश्कर के हवाले करने की धमकी दी। बुधवार को जारी एक वीडियो में वह शख्स को यह धमकी देते हुए दिख रहे हैं। वीडियो क्लिप में यह साफ नहीं हो पा रहा कि वे धमकी किसे दे रहे हैं।